प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमें लर्न करनी है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज बहुत हेल्प करती हैं हमारे क्वेश्चंस को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट से रिलेटेड। अब आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मल्टीप्लाई हमारा मैट्रिक्स, दैट मींस एडजॉइंट ए इनटू ए, या फिर हमारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके एडजॉइंट से, दैट मींस एडजॉइंट ए इनटू ए इज इक्वल्स टू ए इनटू एडजॉइंट ए, राइट? यहां पे मैंने एडजॉइंट लिखा बट ए राइट लिख दिया। वो इक्वल है मॉड ए इनटू ए। व्हाट इज मॉड ए? हमारी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप अपनी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स से, तो क्या सच में हम पहले एडजॉइंट ही कैलकुलेट करेंगे देन उसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे? नहीं, हम पहले अपनी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे जो ज्यादा इजी है कंपेयर टू एडजॉइंट, देन उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ऑन सेम ऑर्डर एज ए मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप अपनी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से। तो हम ये पार्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, आपकी प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन को इजी बनाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये सच में इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करनी है। इस प्रॉपर्टी से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। आपने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को रीड कर लिया, राइट? अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो उस मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? If the determinant of matrix is equal to 0, then the matrix is singular matrix. और अगर हमारी matrix का determinant, that means mod A, does not equals to 0 है, that means 0 के अलावा कुछ भी है, कोई भी value, negative or positive, but 0 नहीं, तो आपकी matrix एक non-singular matrix होती है। तो हमारी जो second property है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए है। अज्यूम कर लो उसका ऑर्डर n है, देन प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, दैट मींस वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a इक्वल होगा आपके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। दैट मींस मैं अगर आपको कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देती हूँ और पूछती हूँ कि उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की वैल्यू बताओ, और मैं आपसे बोलती हूँ तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो आप पहले एडजॉइंट ही निकालोगे देन उसका डिटरमिनेंट निकालोगे? नहीं, हम सीधा अपनी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और उसके पावर में एन माइनस वन यूज करेंगे। एज्यूम करो मैं आपको 2x2 ऑर्डर एक मैट्रिक्स देती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे उसका एडजॉइंट ए का मोड कैलकुलेट कर दें, दैट मींस वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, तो आप उसे कैसे करोगे? आप उस मैट्रिक्स का पहले मोड ए, दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करोगे। मान लो कि उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 8 आएगा, देन हम उस 8 की पावर 2-1 राइट करेंगे। 2 क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था। तो हम क्या करेंगे? हम 8 की पावर 2-1 करेंगे, दैट मींस 8 की पावर 1। अगर मेरी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की थी जिसका डिटरमिनेंट 8 आया था, देन 8 की पावर 3-1, दैट मींस 8 का पावर स्क्वायर, 8 बिकम 64। तो समझ गए ना आप इस प्रॉपर्टी को? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब अगर मैं आपसे बोलूं किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैलकुलेट करो और देन जो मिलेगा उसका अगेन एडजॉइंट निकालो, दैट मींस एडजॉइंट एडजॉइंट,
इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, फिर जो मैट्रिक्स मिली है उसका अगेन एडजॉइंट निकालो। तो क्या सच में हम ये प्रोसेस यूज करेंगे? नहीं, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम पहले अपनी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस मोर ए, फिर उसकी पावर में हम n माइनस 2 अप्लाई करेंगे। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, अगर मेरे पास 3x3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 8 आया, तो हम राइट करेंगे 8 की पावर 3 माइनस 2, दैट मींस पावर में 1, तो 8 आएगा। अब उस 8 की मल्टीप्लाई हम सिंपली अपने मैट्रिक्स से कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि अपनी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से करो एंड देन उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम अपनी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और उसकी पावर में उसका ऑर्डर यूज करेंगे। जैसे अगर मेरे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आप उसे कहते हो कि उस मैट्रिक्स का a into adjoint a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो मैं कहूंगी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 8 है और 8 की पावर में 3 यूज करूंगी क्योंकि मेरी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, तो हम 8 का क्यूब कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके एडजॉइंट की सेकंड प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी थर्ड। अगर ए और बी कोई भी तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर हम डिस्कस कर चुके हैं, स्क्वायर आपको पता है, तो ए और बी अगर कोई दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की और आपसे पूछा जाए कि आप ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करो, दैट मींस पहले ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी में करो एंड देन एडजॉइंट कैलकुलेट करो, तो ये इक्वल होता है पहले B मैट्रिक्स का एडजॉइंट, देन A मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पहले आप अपनी B मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैलकुलेट करो, फिर A मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैलकुलेट करो और इनको मल्टीप्लाई करो। तो इन तीन प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से लर्न करेंगे जो हमें क्वेश्चन को इजी फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। अब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा है गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर सच दैट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दैट मींस मोड ए इक्वल्स टू 12, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एडजॉइंट ए का मोड दैट मींस वैल्यू। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3x3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका मोड ए 12 है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके एडजॉइंट कैसे, देन उसका डिटरमिनेंट। क्या हमने ये प्रॉपर्टी अभी रीड की थी? बिल्कुल रीड की थी। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? A एडजॉइंट A इक्वल होगा आपकी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n, एंड व्हाट इज इट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में मुझे मेरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 12 गिवन है और क्वेश्चन में कहा है ऑर्डर 3x3 है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3। तो अब आप 12 का क्यूब करेंगे, तो 12 का स्क्वायर 144 इनटू 12 1748, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 1748। तो आप प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चंस को इजी करना सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सीरियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे गेट के एग्जाम में पूछे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को भी आपको अच्छे से देखना है। आज के लिए इतना, थैंक यू।